दर्शकों, इक्वालिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम खबरों में बड़ी खबर के साथ। बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और समस्त संवैधानिक अधिकारों के हनन को देखते हुए आने वाले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी पर भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को आम नागरिक के तौर पर पत्र लिखा है, जिसमें बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न के इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ साथ अधिकारों के हनन पर संवैधानिक के संगठन के चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। बता दें कि बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न बौद्ध धर्म का प्रचार करने और बहुजन समुदाय के कल्याण की दिशा में काम करने वाले सामाजिक संगठन श्रमण सांस्कृतिक रक्षा संघ के प्रमुख है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सम्मानित मुल्क के मालिकों, में बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न आज देश भारत के राष्ट्रपति से, देश भारत के प्रधानमंत्री से और मुख्य चुनाव आयुक्त से मैं इच्छा मृत्यु की अनुमति मांग रहा हूं। यह जानकर के आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो प्रार्थना पत्र हमने राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए तैयार किया है, एक बार पूरा सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरी समस्या नहीं, भारत के प्रति एक नागरिक की समस्या है। ये मेरा दर्द नहीं, हक वंचित असहाय कमेरा समाज के हर व्यक्ति का दर्द है। मैं चाहता हूं आप सुने, विषय को समझें। प्रार्थी के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक व समस्त संवैधानिक अधिकारों के हनन के चलते प्रार्थी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25/1/2022 पर इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में भारत देश के प्रथम नागरिक को आम आदमी का प्रार्थना पत्र। अत्यंत दुखद होकर के मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि देश के नागरिकों के समस्त संवैधानिक अधिकारों का व्यापक स्तर पर हनन हो रहा है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका ध्वस्त होती जा रही है। मीडिया भी लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के सारे पर कार्य कर रही है। प्रार्थी सहित देश के नागरिकों के अधिकारों के संबंध में कोई सुनने वाला नहीं है। जिन प्रतिनिधियों को मतदाता अपनी हर समस्या के लिए चुनते हैं, उनकी आवाज भी निरंतर दबती जा रही है। विधायिका देश के समस्त सरकारी विभागों, उपक्रमों को अपने चहेतों को बेच रही है। कार्यपालिका भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर अपने आने वाली संतानों के लिए अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर रही है, भविष्य सुरक्षित करने में लगी है। यह स्थिति देश की न्यायपालिका की भी होती जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त होकर राज्यपाल व राज्यसभा में जाने के लिए आतुर हैं। विचार करिए, वो भी धन जुटा करके देश से भागने का उपक्रम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सैकड़ों लोग भारत की संपत्ति को लेकर के विदेश में भाग गए। भारत के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने उनको बचाने का, उनको वापस बुलाने का, रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। इतना ही नहीं, देश भारत में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। पूरी दुनिया में जो विकसित देश है वहां बैन है। पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि मैं वोट डालूंगा, मेरा वोट जहां मैं डालना चाहता हूं वहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। अतः मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत चिंतित हूं। मुद्दे मेरे बहुत हैं जिन्हें सुनकर के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये देश मिट रहा है, मिटने जा रहा है। ये देश एक रंग में रंगने जा रहा है। ये देश संविधान से अलग हो रहा है, नया संविधान आने जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं और ज्यादा भयावह स्थिति आम नागरिकों की, भारत के निवासियों की होगी, जो मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए और वो भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए। इतना ही नहीं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 700 किसानों की मृत्यु हुई है। उसे मृत्यु कहें, हत्या कहें, उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आम आदमी परेशान है। लॉकडाउन भारत में लगा है, फिर भी कुछ लोग धनवान होते जा रहे हैं और कुछ लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। इस पर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं रहा। आज व्यक्ति परेशान है, भारत में रहने वाला हर हक वंचित असहाय कमजोर व्यक्ति परेशान है। मैं और अपनी आंखों से ज्यादा नहीं देख सकता। इसलिए मैं चाहता हूं ये लेटर मैं सार्वजनिक करूंगा और आदरणीय नंद कुमार बघेल जी के आह्वान पर, जो मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, इस निर्णय को मैं ले रहा हूं। और मैं आह्वान करता हूं
अगर आप जिंदा हैं और आपके अंदर थोड़ी भी संवेदनशीलता बची है तो शवयान में मेरा साथ दीजिए, मैं अब और जिंदा रहना नहीं चाहता है, आखिर रह करके मैं क्या करूंगा, अब मेरा मन नहीं करता कि मैं सत्यमेव जयते बोलूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि सत्य अब जिंदा है या झूठों का बोलबाला है। और आने वाले समय में भी ऐसे लोग पार्टियां चुन करके लाने जा रही हैं जो झूठे हैं और जिनका बोलबाला है। आम आदमी, अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी अब लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि जा पाएगा, इतना ज्यादा चुनाव में पैसा हावी हो गया है, मनमानी तरीके से लोग सब करते चले जा रहे हैं, लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है, संविधान मिट रहा है, निजीकरण से देश बर्बाद हो रहा है, मैं अब और नहीं देख सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे देश के राष्ट्रपति इच्छा मृत्यु प्रदान करने की अनुमति करें। मैं ये लेटर, मैं ये पत्र अपने संगठन ट्रस्ट के माध्यम से राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, चुनाव आयोग को भेज रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छा पूरी की जाए। और इस अभियान में अगर आप जिंदा हैं, जागरूक हैं, तो आप भी इस तरह का कार्य करने का प्रयास करें ताकि भारत बच सके, लोकतंत्र बच सके और ये पुरखों की विरासत बचाई जा सके। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने यह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बसपा राज्य की सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। तंज कसते हुए मिश्रा ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के पास 400 उम्मीदवार ही नहीं होंगे तो वे 400 सीटें कैसे जीतेंगे। इस बार के चुनाव में ना तो सपा सत्ता में आएगी और ना ही भाजपा। उत्तर प्रदेश में बस बसपा की सरकार ही बनने जा रही है। वैसे इस मुद्दे से ये साफ होता नजर आ रहा है कि मायावती इस बार सत्ता पर खुद काबिज होने के बदले किसी को सत्ता में बिठाकर खुद राज चलाना चाहती है। अब देखना यह है कि मायावती का ये फैसला उन्हें आगामी चुनावों में कितना फायदा पहुंचाता है। इसी मुद्दे के संदर्भ में यूपी से हमारे प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुड़े थे, जिन्होंने हमें बीएसपी की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, राजनीति को लेकर विधानसभा अध्यक्ष लखनऊ बुद्धसेन आनंद जी से खास बातचीत की। ये मतलब जो बहन जी ने ऐलान किया है कि मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो यह क्या पहले से उन्होंने डिसीजन ले रखा था या फिर अभी का निर्णय है मिश्रा जी और इन बहन जी के? देखिए, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि माननीय बहन जी ने विधानसभा चुनाव कई बार हो गया नहीं लड़ी है, ये उनका नया फैसला थोड़ी है। जी जी जी, इसके पहले भी 2017 में भी माननीय बहन जी ने चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, याद होगा आपको। जी, बड़े नेता हैं ये लोग, चुनाव कहाँ है तो लड़ाते हैं चुनाव, अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं जब सरकार हमारी बहुमत में आएगी, हमारी माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि विधानसभा चुनाव लड़ करके वो वहाँ पर जाती हैं कि विधान परिषद से जाती हैं, कैसे जाती हैं, तो उनका अपना निर्णय है। जी, मनोनीत भी हो सकती हैं विधान परिषद से, ये उनके अपने फैसले हैं, हम लोगों को तो उनके फैसलों पे। जी बताएं। ये कह रहे थे कि आप लोगों को कोई मतलब अभी जानकारी, मतलब बस इतनी ही है ना, मतलब हाँ ये तो बस इतनी ही जानकारी सभी को होगी। सही है, तो ठीक है, बस यही जानकारी लेनी थी भाई। माननीय बहन जी तो पिछली बार भी चुनाव नहीं लड़ी थी ना 2017 में। सही है, हाँ उसमें भी नहीं लड़ी। हाँ नहीं लड़ी थी। अब जैसे योगी जी मुख्यमंत्री हैं इतने समय, 2017 में जब बहुमत में आई भारतीय जनता पार्टी तो ये विधानसभा चुनाव थोड़ी लड़े थे, तो सांसद थे। हाँ सांसद थे, सांसद थे। उसके बाद जब इनको मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया गया तो फिर क्योंकि सांसद थे तो यहाँ विधानसभा में कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पर ये मनोनीत हुए और इनको विधान परिषद का नेता चुन करके इनको विधायक बनाया गया। अच्छा, इसमें कोई मतलब हार का डर या फिर इस तरह का कोई ऐसा तो नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हैं, हार का डर क्या होता है? मानिया बहन जी को किसी सामान्य सीट पे चुनाव लड़ा दीजिए, अभी देखिए कैसे जीत के आती है। हार का डर क्या योगी को था क्या? उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। सही है, विधानसभा का चुनाव 2017 में योगी जी ने नहीं लड़ा था, उनको सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा से किसी चुनाव लड़ना चाहिए था, उनको भी हार का डर था तभी तो नहीं लड़े वो।
और ये गठबंधन का आपका कुछ विचार विचार? गठबंधन क्या मानिए बहन जी, तो शुरू से कहती आ रही मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, मुझे किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करना है, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, हमको किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं भाई साहब जी। जी मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना दी बहन जी। जी जी, हमारा वोटर साइलेंट वोटर होता है बसपा का जी। अभी तक उन्होंने कोई राज इस तरह का नहीं खोला है, ना तो मंच पर आई है इस तरह का कोई। देखिए मंच पर आने के लिए ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो मंच पर आने के लिए अरबों खरबों रुपयों की आवश्यकता होती है, जो आचार संहिता लगने के बाद माननीय बंजी ने बोला भी था कि आचार संहिता लगने के बाद मैं मंच पे आऊंगी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति चुनाव जो लड़ाने का तरीका है वो क्योंकि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे वो हावी है, तो उन्होंने मीडिया का सहारा लेकर के अन्य पार्टियों को सबको दबा दिया है। हाँ। कड़े रुख ले लिए कि नहीं अब 15 तारीख तक तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होना है, 15 तारीख के बाद नई गाइडलाइन जारी होगी, उसके हिसाब से हमको कैंपेन करनी है कि रैली निकालनी है, मीटिंग। अब जो भी आगे 15 तारीख को चुनाव आयोग का फैसला होता है, आता है, उसके हिसाब से माननीय बहन जी निर्णय लेंगी और वो जरूर मंच पर आएंगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात हो चुकी है। वह सपा में शामिल हो चुके हैं। विधायक रोशन लाल, भगवती सागर और ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया है। अभी कुछ अन्य समर्थक विधायक भी भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो सकते हैं। टिकट के बंटवारे को लेकर उनका भाजपा से विवाद चल रहा था, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचे विधायक रोशन लाल को अंदर नहीं जाने दिया गया। रोशन लाल शाहजहांपुर से विधायक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मैंने सामाजिक न्याय के लिए लगातार संघर्ष किया है, आगे भी करता रहूंगा, मुझे जहां भी सामाजिक न्याय सहकार होता दिखेगा मैं वही रहूंगा। अपना इस्तीफा राजभवन भेजने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश की योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा मैं दे रहा हूँ। इक्वालिटी न्यूज की प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूले इक्वालिटी शॉप ऐप को।